इस इंडिपेंडेंस डे आई फैस लाया है स्पेशल ऑफर फॉर स्टूडेंट्स आर द ग्लोरीफाइंग डिस्टिनी ऑफ आवर नेशन यू विल गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल आई आई टी जैम कोर्सिस फॉर बायोटेक्नोलॉजी ये कोर्स वैलिड है फिफ्टी अगस्त दो हज़ार बाईस तक और बैचेस जो हैं आपके स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त 16 से आई फास एक इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है एन टी यू सी नेट गेट और सेट के लिए ध्यान दीजिएगा ये स्पेशल ऑफर है जहाँ पे आपको 50% परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है बहुत जिसपे आपका बचत होने वाला है तो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे आप इस खास स्पेशल ऑफ़र का फायदा उठा सकते हैं आज ही हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल मास्टर साहबने के मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का वो सॉल्व करा रहे थे और 55 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे तो यहां पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जो चिरेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए और अब ये जो चिरेटिंग एजेंट्स हैं इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये जानना था तो चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट वन इज़ दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बी में है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सी दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डी आर दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं चीरेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो पहला वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए सेकेंड पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूज टू स्टेबलाइज द मीडिया, मीडिया कंपाउंड वाइल आटो क्लेविंग तो ये आटो तो क्लेविंग के दौरान तो यूज़ नहीं किया जा सकता सी पे आते हैं विच प्रिवेंट फ्राम बाइंडिंग विथ मेटेलिक कटाइन इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स तो ये भी यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं है प्रिवेंट नहीं करता है डी दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेज विथ हैवी मेटल एंड प्रिवेंट और रिवर्स द बाइंडिंग ऑफ मेटेलिकटैंस टू लीगेंड इम्प्रूविंग द मेटल्स जनरल स्टेबिलिटी एंड लाइकलीहुड टू बॉन्ड विद द अदर सब्सटांसेस तो ये क्या करता है चिरेटिंग एजेंट्स ये जो होता है ये आ, जो लेगेंड्स होते हैं उनसे बाइंड करता है और जो मेटल्स की जनरल स्टेबिलिटी होती है और उसके बाइंड करने की जो अदर सब्सटांसेस होती है उसको ये इम्प्रूव करता है ठीक तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पर आते हैं पूछा है आपसे टर्माइट्स रिप्रजेंट मोनोपार्टाइट बाईपार्टाइट ट्राईपार्टाइट और पॉलीपार्टाइट बायोलॉजिकल सिस्टम तो देखिए जो टर्माइट्स हैं आपको पता होगा कि जो आ, जो एनिमल्स का हॉलमार्क होता है वो ये है कि वो यू सोशल होते हैं उनमें एडवांस सोशलिटी पाई जाती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है वर्कर में और क्यों कास्ट में तो ऐसा जो आपका ये टर्माइट termite है टर्माइाइट्स के अंदर भी ट्राईपार्टाइट सिस्टम पाया जाता है जहाँ पर एक शोल्डर कास्ट होता है जो कॉलोनी को डिफेंड करती है और ये दीमक में पाया जाता है ठीक जहाँ पे वर्कर होगा क्वीन होगा और सोल्जर कास्ट होगा ये सब तो ट्राई पार्टाइट का सिस्टम ट्रमाइट्स में मिलता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट पर हम आते हैं बोला है इसमें फाइकोरेथिन फाइकोसाइनिन आर द पिगमेंट्स कॉमनली प्रेजेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ फाइलम साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा कि और फाइकोसाइनिन फाइको फाइको जो पिगमेंट्स होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं पूछा है यहाँ पे आपसे कि ये केमिकली क्या होते हैं ठीक मतलब फाइकोरिथिन और फाइकोसाइन का केमिकल नेचर क्या होता है दीज आर द साइक्लिक टिट्रापेरोल कपल टू प्रोटीन्स और ओपन चेन टेट्रापोल टेट्रा फायरोस कपल टू प्रोटीन्स और दे आर लाइपोग्लाइकोसाइड्स और दे आर एसिल अनब्रांच लिपिड्स कपल टू करिटोनाइड्स तो ये देखिए जो और फाइको फाइकोसाइनिन होते हैं दो टाइप के आपके टिट्रापेरोस होते हैं ठीक uh, ये जो टिट्रापेरोस होते हैं जैसे कि साइक्लिक भी हो सकते हैं ओपन चेन वाले भी हो सकते हैं ये जो आपका फाइकोबिल्स और फाइकोरिथ्रिन पाए जाते हैं ये टिट्रापेरो रिंग तो है पर ये क्या है ओपन चेन ट्रेट्रापेरो रिंग होते हैं ठीक वही साइक्लिक या क्लोज प्रोफायरिंग जो होता है ट्रेट्रापेरोस ये आपके क्लोरोफिल में पाए जाते हैं तो ये हमेशा से याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पे आते हैं क्लास्टिड्रिया विच ऑप्टेन एनर्जी बाई फर्मेंटिंग एमिनो एसिड इन विच वन एमिनो एसिड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर आग और जिसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तरीके से बिहेव करता है जो कि इसका रिडक्शन होता है तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है एक इम्यूनो एसिड का ऑक्सीडेशन वाइज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है तो ये किस टाइप का आ, वो है रिएक्शन है तो देखिए जहाँ पर एक जो होता है एक केमिकल रिएक्शन कपल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इम्योनो एसिड्स का ऑर्गेनिक एसिस में वो स्टिक लैंड रिएक्शन कहलाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे हम आते हैं अ जेनेसिस्ट इंटरेस्टेड इन इम्यून फंक्शन इंड्यूसिस रैंडम म्यूटेशन इन अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक जीन इन माइस है एक जीनेसिस्ट है जो कि इम्यून फंक्शन को वो करता है इंड्यूस करता है रैंडम म्यूटेशन करा के कुछ स्पेसिफिक जीन्स में जो माइस के अंदर है और फिर डिटर्मिन करता है कि जो रिजल्टिंग म्यूटेंट्स बनते हैं उस माइस माइस के उसका उसमें इम्यून फंक्शन कौन सा इम्पेयर्ड हुआ है और फिर बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में ये जो अप्रोच है कि म्यूटेशन करा के उस जीन का फंक्शन पता करना ये किस टाइप का वो है जेनेटिक्स में आता है फॉरवर्ड जेनेटिक्स रिवर्स जेनेटिक्स बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स और नाइदर फॉरवर्ड नॉट रिवर्स जेनेटिक देखिए ये जो आपका है इसको हम रिवर्स जेनेटिक बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक में हम क्या करते हैं हम किसी टारगेट किसी जीन को टारगेट करते हैं वो करते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर इसके उसके बाद फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या फिनोटिपिक चेंजेस हमें देखने को मिले तो हमें से पता चलता है इनडायरेक्टली कि वो जीन का फंक्शन क्या था इसको रिवर्सनेटिक्स बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पर आते हैं दीज आर मल्टीसोलियर ग्रीन एलगी ये मल्टीसोलियर ग्रीन एलगी की बात हो रही है जहाँ पे फ्लैटेंड ग्रोथ फॉर्म देखने को मिलता है इनका जो ग्रोथ होता है वो फ्लैटेंड होता है और ये थिन वॉल सेल्स के बने हुए होते हैं और ऐसा माना गया है कि ये कारल्स के सिस्टर ग्रुप हैं प्लस जो लैंड प्लांट्स प्लान्ट उनके भी ये सिस्टर ग्रुप्स हैं तो ये क्या हैं कि बारे में बात हो रही है कोलियो कीटेज का कोलिकैंस और कोपॉट्स और, और क्रनार्किट्स के बारे में बात हो रही है तो अगर आपको पता होगा एलगी में कोलियो कीट वगैरह आपने पढ़ा होगा तो कोलियो कीटेज का जो ऑर्डर है इनको हम कार्स और लैंड प्लांट्स के क्या मानते हैं सिस्टर ग्रुप्स मानते हैं और वेरी रिसेंटली इनमें जिग्ने जिगनमी Uh, जिगनी में टैल्स भी जो है वो ऐड हुआ कि ये सिस्टर ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइट्स हैं ऐसा कंसीडर किया जा रहा है क्वेश्चन सिक्सटी टू पर आते हैं कह रहे अगर आपको पता करना हो कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमीयर तो आप कौन सा बैंडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे जी बैंडिंग एन बैंडिंग सी बैंडिंग और आर बैंडिंग देखिए रीजन क्या होता है रीजन होता है और हेट्रोक्रोमैटिक रीजन आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो जो सी बाइंडिंग होती है उसका हम यूज करेंगे इसमें होता क्या है पहले हम क्रोमोजोम को डीनेचुरेट करते हैं सोल्यूशन और फिर जीएमजा जी एम जीएमसा स्टेनिंग होती है और ये जो सी बाइंडिंग मेथड है ये सिलेक्टिवली स्टेन करता है सेंट्रोमियर के ही अराउंड क्वेश्चन सिक्सटी थ्री पे आते हैं पूछा है एंटी कोडॉन क्या होगा टी आर एफमेट का आपको पता है कि कोडाउन क्या है एंटी कोडाउन क्या है कोडाउन वो रीजन्स होते हैं जो मैसेंजर आर में प्रेजेंट होते हैं और जो टी आर में प्रेजेंट होता है वो एंटी कोडाउन रहता है क्योंकि एंटी कोडाउन से कैरी करते हैं एमिनो एसिड आके बाइंड करते हैं कोडाउन से तो जो कोडाउन में बेसिस का वो रहता है ऑर्डर उसका अपोजिट ऑर्डर होता है एंटी कोडाउन में तो जैसे कि टी आर एन एफ मेट मेथियोन का आपको पता है जो वो स्टार्टिंग वो है क्या है कोडॉन कोडॉन की अगर हम बात करें तो वो एयू जी है एयू जी कोड करता है मेथियोनिन के जो स्टार्टिंग कोडॉन माना जाता है पर ये फॉर्मुलेटेड होता है बैक्टीरिया वगैरह में प्रोकैरियोट्स में तो उसको हम टी आर एन एफमेट बोलते हैं तब अगर ए यू जी है कोडॉन में तो उसका अपोजिट क्या होगा ए के अपोजिट टी होता है पर क्योंकि आर एन ए है टी आर एन ए है तो आर एन ए में टी के जगह पर यू होता है तो उसका अपोजिट ए का अपोजिट यू यू का अपोजिट ए और जी का अपोजिट सी तो इसी इसलिए जो एंटीकोडोन होगा टी आर एफ मेड में वो यू ए सी रहेगा और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम क्योंकि जो ए यू जी रहता है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होता है ठीक है अपोजिट ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट आइसो आइसो एनजाइम आइसो एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा क्या रहते है हैं आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स भी इसे बोलते हैं देखिए जो आइसोजाइम्स होते हैं ये एक ही जीन के वेरिएंट जो होते हैं उनसे बनते हैं मतलब इनका जो एमिनो एसिड कंपोजिशन होता है ये थोड़ा अलग होता है ये वही एंजाइम होते हैं सेम सबस्ट्रेट पे काम करते हैं सेम केमिकल रिएक्शन करते हैं बस इनका एमिनो एसिड कंपोजिशन अलग अलग होता है सो दे आर कॉल्ड एज आइसोजाइम्स और इसमें से जो चौथा ऑप्शन है कि दे आर प्रोटीन्स विद अ डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म द सेम रिएक्शन ऑन द सेम सबस्ट्रेट ये चौथा वाला ही सही है बाकी के तीन इसमें से नहीं सही है कि दे दे हैव सेवरल आइडेंटिकल सब यूनिट्स रिएक्ट विद द द सेम सेम बट बट फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट आर जीन बाय डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये सब एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन नहीं है फोर्थ वाला है तो अलोन फोर ओके सिक्सटी पे आते हैं हम यहाँ पे है आपका कि ट्रहलोस का अगर आपने नाम सुना होगा ये एक प्रकार का डाई है तो ये किससे बनता है डाई है तो मतलब दो मोनोसाइक्राइड के ज्वाइन होने के बाद ये बना है तो क्या है दो अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन होकर ट्रेहलोज बनाते हैं या ग्लूकोज फ्रक्टोज या टू अल्फ़ा फ्रक्टोज या ग्लूकोज एंड गलेक्टोज तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो होते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज के बने हुए होते हैं पर यहाँ पर अल्फ़ा भी मैंशन हुआ है तो आप ये भी जान लीजिए कि ये दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट के मिल के बने हुए होते हैं अब अल्फ़ा बीटा दो टाइप के होते हैं ग्लूकोज एफ फ्रक्टोज जो भी हो उनमें दोनों में बीच में अंतर क्या है उनमें उनके बीच में अंतर ये रहता है कि ये जो आप देख रहे हैं अल्फ़ा ग्लूकोज़ है अल्फ़ा ग्लूकोज़ में ओ जो रहता है ये डाउन आपको है जब ऐसा फार्मूला देखिए अगर ओ डाउन है तो आप ये अल्फ़ा ग्लूकोज है अगर ओ अप अप पोजिशन पर बाकी सारी चीज़ें सेम है बस बीटा है तो ओ अप रहेगा और अल्फा है तो ओ नीचे रहेगा डाउन तो अल्फ़ा में डाउन होता है बीटा में अप होता है तो ये यही यही जो अल्फा ग्लूकोज है यही दो अल्फा ग्लूकोज मिलकर ट्रेलोज डाइसाक्राइड बनाते हैं तो ये था क्वेश्चन नंबर 65 तक बाकी के रेस्ट जो मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा देखते रहे मास्टर सॉफॉट बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो